सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज उधम सिंह नगर एक दिवसीय दौरे पर पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सेवा पखवाड़े के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, जहां परिसर स्थित सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध एवं समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और कहां कल जहां दिन भर हम लोगों ने प्रातः काल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के 6 रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहां संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है, आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेक बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेकों अनेक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है, एक स्नेह और अपनापन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जहाँ शिखर पर पहुँचाने का काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान जो उन्होंने बनाने का काम किया है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तराखंड में उन्होंने जहाँ पूरे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें दी हैं, भारत माला श्रृंखला की रोडें दी हैं, यहाँ की आप देख रहे होंगे सारे के सारे हाईवे हमारे एकदम से दुरुस्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ हमारा एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा था, वहीं दूसरा एम्स हमारे उधम सिंह नगर को मिला है। जल्दी ही उसका निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसमें मैंने स्वयं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भेंट करी थी और सारे पहलुओं पर हमारी बात हो गई है। सभी विषय चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ हमारे केदार बाबा का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं मंडल में मानसखंड कॉरिडोर जो हमारा संकल्प है, वह भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। सर देखिए, स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड पहला राज्य बने उसके लिए जहाँ शौचालय देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।